गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी अपनी आईटीज ब्लॉग पे आपका स्वागत है। तो अभी सुबह सुबह उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह कंप्लीट हो गया, अभी मैं अपने काम के लिए निकल गई हूँ। बाहर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है इसलिए मैं अभी सिग्नल पे खड़ी होकर मैं क्या करूँ, बहुत अभी 120 ऐसा कुछ अभी सिग्नल सेकंड हमें वेट करना है। चलो थोड़ा सा ब्लॉग मैं स्टार्ट कर देती हूँ, कुछ तो दिखाओ, कुछ तो ब्लॉग बनाऊ मैं। सही में पता है इतना गर्मी हो रहा है ना दिल्ली में, बहुत ज्यादा पसीना चिपचिपाट। मैं इतना साल से हूँ बट इतना बेकार गर्मी कभी नहीं हुआ है, मेरे को नहीं लगा। बहुत ही अजीब सा गर्मी हो रहा है एकदम, कभी बारिश हो रही कभी गर्मी हो रही, पता नहीं क्या सब चल रहा है। बहुत ट्रैफिक है यार, बाप रे परेशान हो जाती हूँ मैं। कोई नहीं, आज का दिन मैं क्या 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 करती हूँ सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और आज रात को ना मैं एक रेसिपी भी शेयर करूंगी, बहुत दिनों से ना वो प्रेशर कुकर वाला बिरयानी, थंबनेल में तो आपने देख ही लिया है, तो उसका थोड़ा रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। चलो सिग्नल खोलने वाला है, निकलते हैं। आज लंच में घर से लाई थी तो मम्मी ने बना दिया था पोहा, तो मैं पोहा ही अभी खाऊंगी। तो पोहा वगैरह खाने के बाद फिर बहुत ज्यादा काम था तो सब कुछ भूल गई शूट करना। बोला कि व्लॉग में चलो क्या क्या होगा दिन भर में दिखाऊंगी, लेकिन मैं सब कुछ भूल गई। उसके बाद मैं अभी जस्ट घर वापस आई, घर आने के बाद ना बहुत कुछ लेके आई हूँ मैं आप लोगों को, वो सब दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले आज मम्मी के लिए एक सरप्राइज है। मम्मी को शायद पता है, पता चल गया। अच्छा मम्मी को पता चल गया, चलो अब तो वो सरप्राइज नहीं रहा। तो मम्मी के लिए न्यू फोन, कलर वाइज बहुत अच्छा है, रुको मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है इन्फिनिक्स नोट 12i। फीचर्स वगैरह आप तो वो सब तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा, बट कलर बहुत अच्छा है। और मम्मी के लिए ये है ये फोन, सही में बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा कलर इतना पसंद आया ना। एक बार जो सब इम्पोर्टेंट है कैमरा वो एक बार देख लेते जल्दी से क्या है। ये है इसका बैक कैमरा, आप देख सकते हो, और फ्रंट कैमरा ये है। हेलो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक वगैरह दे दूंगी। और अभी तो फिलहाल ऑफर भी वगैरह चल रहा है अमेजन में, फ्लिपकार्ट में, ये शायद फ्लिपकार्ट से मंगवाए थे हमने। तो इसके साथ क्या क्या आया एक बार देख लेते हैं। यानी ने सब खोल दिया नहीं, ओके। एक एडाप्टर है, यूएसबी कोर्ड है, एक सिम कार्ड पिन इंजेक्टर टाइप का है। ये 1 रुपये मिला है क्या, क्या ये मेंबरशिप कार्ड वगैरह कुछ है? अच्छा हाँ, फोन का कवर मैंने ऑलरेडी मतलब अनिल ने लगा दिया है। लेकिन मम्मी को हम देंगे ये फोन कल, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई वगैरह और करके, थोड़ा टेम्पर्ड वगैरह लगाने के बाद उसके बाद मम्मी यूज करेगी इसको। आके ड्रेस वगैरह कुछ भी चेंज नहीं की, मैं बोली नहीं सबसे पहले ये सब दिखाना ही पड़ेगा, मतलब जो भी होता घर पे कुछ नया आता है सबको अच्छा लगता है ये चीज। और ऊपर से मम्मी के लिए फोन आया तो मम्मी पता नहीं कितनी खुश है, उससे ज्यादा तो मैं खुश हूँ कि नया फोन आया घर पे अच्छा लगता है ना। हेलो हेलो, अच्छा फोन है, मतलब कलर सच में बहुत अच्छा है यार इसका, मस्त कलर है। बाप रे फोन भी आ गया। आप लोग एक बार वॉइस क्वालिटी भी दिखा देते इसका, मैं एक बार रिसीव करती हूँ। हेलो 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 हेलो। अच्छा है स्पीकर, अच्छा है इसका, रिकॉर्डिंग वगैरह भी है, बट आईफोन में रिकॉर्डिंग नहीं होता यार, बहुत गुस्सा लगता है मेरे को। हुँ।
और डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिल्कुल भी चेक करना मत भूलना, मैं पूरा लिंक डाल दूंगी। उसके बाद थोड़ा सा चाय पी अदरक वाली अच्छे से, तो बहुत सर दर्द वगैरह हो रहा था। चिप्स बहुत सारा चम्मच चिप्स भी लेके आई थी चिप्स के साथ। उसके बाद पापा ने ये करारा जलेबी लेके आए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। अब जल्दी से चलते बिरयानी की तरफ। मटन दम बिरयानी प्रेशर कुकर में बनाने के लिए जो जो भी इंग्रेडिएंट्स लगेगा मैंने वो यहाँ पे स्क्रीन में शेयर कर दिया है। जैसे जैसे है वैसे सेम एज इट इज़ इसको दो विसल तक इसको बनाना है। मिल्क कंपलसरी है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है उसको, बहुत अच्छा फ्लेवर लाएगा। मैंने 2 घंटा पहले देहरादून राइस को सोक करके रखा हुआ था, उसके बाद प्लेट में उसको अच्छे से स्प्रेड करके उसका जो भी एक्स्ट्रा वाटर है उसको ड्रेन कर लेना है। उसके बाद मैं एक कढ़ाई ली, 2 टेबलस्पून घी, शाही जीरा, गरम मसाला जो भी रेस्ट ऑफ द गरम मसाला है उसको ऐड की, उसको हल्का से एक बरिस्ता बना ली अनियन को। फिर मैंने राइस को ऐड किया है, राइस को कम से कम 10 से 15 मिनट तक हल्का टॉस करना है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा उसको टर्न नहीं करना है, चावल टूट सकता है। और आप देख सकते हो मैं कैसे इसको प्लेसिंग कर रही हूँ, वैसे ही आपको करना है। और मैंने पोटैटोज और उसको प्लेस करने से पहले मैंने पोटैटोज को फ्राई कर लिया है। और यहाँ पे मैं कोई भी फूड कलर ऐड नहीं कर रही हूँ, मेरे पास नहीं था फूड कलर कुछ भी। तो प्रेशर कुकर में आप देख रहे हो मैं कैसे कैसे उसको ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। उसके बाद जो मेन थिंग है, जो यखनी का जो स्टू है उसको, अगर आप 2 कप चावल ले रहे हो तो 4 कप्स आपको वाटर मतलब जो यखनी है उसको ऐड करना है। और मैं 4 कप ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं 3.5 कप ऐड कर रही हूँ, तो इसी में हो जाएगा। उसके बाद आपको जस्ट 1 विसल देना है। जैसे ही विसल हो जाए उसके बाद 1 टीस्पून केवरा वाटर, 1 टीस्पून रोज़ वाटर, मीठा इत्र का 2 से 3 ड्रॉप सफिशेंट होता है, उसको ऐड कर देना है। और प्रेशर कुकर मटन दम बिरयानी एकदम रेडी हो गया, आप देख सकते हो। और चावल इतना खिला खिला आया क्योंकि वो जैसे 2 घंटा वैसे वाटर में वो सोक हुआ था। उसके बाद मैंने उसको 10 से 15 मिनट तक उसको अच्छे से फ्राई किया, तो वो एक बहुत अच्छा फ्लेवर भी लाता है वो। ये वाला बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और एकदम चावल खिला खिला आया, घर पर हम लोग बिरयानी लवर्स हैं तो सबको बहुत अच्छा लगा और बहुत जल्दी बन जाता है मटन दम बिरयानी। प्रेशर कुकर रेडी एंड सर्व्ड। आई होप आप लोग को अच्छा लगा। अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना, बिल्कुल भी भूलिए। फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।